6 से 7 घंटे हो गए हैं। हमें एक रेगिस्तान में अनोखी चीज नजर आई जिसको रेगिस्तान में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वो भाई टैंक मिल गया, उसके ऊपर ना गोलियों के निशान है। हम आर्मी के एरिया में घुस चुके हैं, ऐसे ही है ना? ये क्या होगा? आई आर कंफर्म आर्मी एरिया है, कंफर्म हम आर्मी एरिया में आ चुके हैं। आर्मी वाले थे, उन्होंने काफी अच्छा कोऑपरेट किया है हमारे साथ। आए फौजी भाइयों ने कहा है कि आप लोग यहाँ वीडियो भी नहीं बना सकते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपने पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, तो जैसे कि हमने ये रेगिस्तान को सर किया था तो हम यहाँ तक आ सके थे और आगे नहीं गए थे। अब हमने जाना है आगे, क्योंकि हमें यहाँ के बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ पे एक जंग हुई थी, तो यहाँ पे काफी ऐसे टैंक वगैरह हैं और भी हैं, जहाज वगैरह जो दफन है रेत में, किसी को नहीं पता। तो हम इस इलाके का सर्वे करने वाले हैं, आप लोग साथ रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। हम अपना सामान भी साथ लेकर आए हैं, हमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन हमने पूरा सर्वे करना है और ढूंढ निकालने और हेलीकॉप्टर भी वगैरह भी हैं और भी काफी सारी चीजें और काफी ऐसी चीजें हैं जो जहाँ पे तबाह हुई पड़ी हैं। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरा मदद चकाएगा। हमें 2 दिन भी लग सकते हैं और 1.5 या 3 दिन भी लगते हैं। हाँ, हम अपना सामान आया पूरी पैकिंग के साथ हैं, हमने सर्वे करना है, हर चीज को ढूंढ निकालना है, क्योंकि हम है टू व्लॉगर। हाँ तो गाइस, हम जहाँ पे सरवाइव करने वाले हैं वो हम आपको लोकेशन दिखाने वाले हैं, तो ये देखें। हाँ तो गाइस, तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया, हम चल रहे हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर सफर कर चुके हैं। तो आगे हमें अभी तक तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे है चीज़ें, क्योंकि बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ पे जंग हुई थी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, टैंक, हेलीकॉप्टर, जहाज वगैरह जो दफन हुए पड़े हैं रेत में, तो आज हमने उनको ढूंढ निकालना है। तो गाइज, काफी सारा सफर तय करने के बाद हमें एक रेगिस्तान में अनोखी चीज नजर आई जिसको रेगिस्तान में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो बारिश भी स्टार्ट हो रही है, तो वसीम भाई, ये दीवार इतने रेगिस्तान में क्या कर रही होगी? कोई इधर कोई रिहायश नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई ना कमरा है, ना ही कुछ, सिर्फ दीवार है, सिर्फ दीवार है। आपको दिखाते हैं अभी। तो गाइस, इतने वीराने में हमें ईंटें मिली हैं टूटी हुई, ठीक है, बहुत सारी ईंटें इधर टूटी पड़ी हैं, जैसे कोई जंग हुई है यहाँ पे। ओ भाई, तो गाइस हमें दीवार वो मिल चुकी है, आप दीवार देख सकते हैं। तो दीवार के सामने वो क्या चीज है भाई? ओ भाई, चलो देखते हैं ये क्या चीज है। पता नहीं हेलीकॉप्टर क्या, आपको दिखा सकते हूँ मतलब जूम करके, ये देखें, देखते हैं ये क्या चीज है। आप पर इसको देखें, इस दीवार को यहाँ पे बनाने का क्या मकसद है? आखिर ये देखें, मुझे लगता है शायद हेलीकॉप्टर होगा। टैंक मिल गया। तो गाइस, ये टैंक है, हमने एक और टैंक ढूंढ निकाला। इस टैंक में इंजन भी पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। ओ तेरी खैर, पड़ी हुई है। तो गाइस देख सकते हैं, हमने दूसरा टैंक ढूंढ निकाला इस वीराने में। तो ये इसका इंजन है, बहुत बड़ा इंजन है। ये पीछे रखा, ये क्या कर रहे हो आप? ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा ना। और इसकी ये जो साइड है, नोटिस किया, ये पीछे की तरफ है, उसकी आगे की तरफ थी, ऐसी थी ना? मेरे ख्याल पीछे से फायर कर रहा था, इसका मुंह आगे, ये पीछे से फायर कर रहा था। तो और इसकी दूसरी बात ये गाइस के इसके अंदर का जो सामान है ना, वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। इसकी जो चेन वगैरह है ये भी उतरी हुई है, बिल्कुल है ही नहीं, पुराना है तो बहुत पावरफुल है। ये देखो इसका पिस्टन है, पिस्टन ये अभी वो दे, उसको बाहर निकालना, वो निकलता है? हाँ निकलता है, नहीं, नहीं निकलता ना। तो गाइस, हमने फाइनली दूसरा
टैंक भी खोज लिया है, तो हमने अभी आगे भी जाना है क्योंकि हमें एक पुराने बुजुर्ग ने बताया है कि इस इधर जंग हुई थी, यहाँ पे हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह और काफी जो टैंक है वो जेर जमीन है। तो इसका मुझे समझ नहीं, ये किस लिए ये दीवार, और ये गाय इस दीवार की मुझे समझ नहीं आ रही, ये दीवार इधर क्या कर रही है। अच्छा तूने इसके ऊपर नोटिस किया है, दीवार के ऊपर मैंने नोटिस किया है कि गोलियों के निशान है, तूने नोटिस किया है? लगता है ये प्रैक्टिस के लिए शायद तूने ये दीवार, नहीं सीरियसली उधर अब गौर से देखो ना, गोलियों के निशान है दीवार के ऊपर। अच्छा मैंने देखी है ना, क्लोज करके अभी पब्लिक को भी दिखाते है ना गोलियों के निशान। तो गाइज हम अब उस दीवार के पास जा रहे हैं क्योंकि मैंने नहीं देखा, वसीम भाई ने देखा है कि उसके ऊपर ना गोलियों के निशान है, शायद हम आर्मी के एरिया में घुस चुके हैं, ऐसे ही है ना? शायद मुझे भी ऐसा लगता है, शायद आर्मी उसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करती है। तो आए देखते हैं उसके ऊपर, आपको गोलियों के निशान दिखाते हैं, मैं भी देखता हूँ, वसीम भाई ने तो देखा है, आपको भी दिखाते हैं। ये देखते हैं, देख सकते हैं आप, ये गोली का जो छरा होता है ना वो चिपका हुआ है। तो गाइस टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो बारिश का भी खतरा है क्योंकि पहले थोड़ी थोड़ी आ रही थी, अब फिर से स्टार्ट हो गई है। तो अब हम चलते हैं, अभी हमने काफी सारा सफर तय करना है और भी चीजें जो है उनको खोजना है हमने, तो चले सफर शुरू करते हैं। नाज़रीन तकरीबन 2 घंटे लगातार चलने के बाद तो आगे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आज क्या हुआ, किधर? वो देखो वो सामने, हाँ ये वाला, आओ 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 चलें, हमें कुछ दिखाई दिया है यहाँ पे, तो हम वहाँ जाएंगे, शायद हमारी हेल्प हो जाए क्योंकि अभी हमने रात को स्टे भी करना है। ये देखें गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कोई बंदा ना बंदे की जात, हम बिल्कुल इधर बस अकेले हैं। वो देखो भाई यहाँ कैमरे में ये क्या होगा है? कैंप एरिया है ना आई थिंक, जाना चाहिए वहां ना नहीं जाना चाहिए ये बताओ है? जाना तो चाहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गाइस ये एरिया है उसके, जूम करके मैंने दिखाया, ये देखें, अब पीछे भी नहीं जा सकते, हमें आगे जाना चाहिए। तो गाइस वहां से नजदीक लग रहा था, यहाँ से काफी दूर है, यहाँ पे हमें एक और छोटी सी दीवार मिली है। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं काफी सफर तय करने के बाद। क्या कर रहे हो यार? ये रैंप बना हुआ है, ये देखो ये रैंप है, ये प्रैक्टिस वगैरह के लिए, शायद वो टैंक वगैरह चलाता हूं तकरीबन, मुझे ऐसे ही लगता है। वो देखो वहाँ पे हेलीपैड है मेरे ख्याल में, हेलीकॉप्टर पता नहीं क्या चीज़ है। आओ यार हम अपनी लोकेशन की तरफ चले क्योंकि हमने रोजा अफ्तार भी करना है अभी। ये क्या ले? ये एन है मेरे के, एन और ये एरो है, एरो है, इशारा क्यों है वो भाई? यहाँ पे कुछ, वो वहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रखा कंफर्म, ये आर्मी एरिया है, कंफर्म हम आर्मी एरिया में आ चुके हैं। ये जगह मुझे ठीक लग रही है। तो फाइनली हम बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, ये भी मुझे आर्मी एरिया लग रहा है, हमें रोज अफ्तार यहीं पे करना चाहिए, अपना सामान यहीं पे तैयार करना चाहिए। हैं इतने जंगल में। तो फाइनली गाइस हम आर्मी एरिया में पहुंच चुके हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा उन्होंने इखलाक दिया हमें और हमें अप्रिशिएट भी किया है। तो वीडियो अलाउ नहीं है यहाँ पे बनाना, उन्होंने बोला ये बना लें, तो हम वापस भी नहीं जा सकते, आज रात हमें यहीं रहना पड़ेगा क्योंकि जो टैंक है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। सर कितना बता रहे थे? ठीक ठीक है। तो वसीम भाई तो अभी हम यहीं पे अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे, तो फौजी भाई ने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया है हमारे साथ, तो वो कहते हैं कि आज रात आप यहीं रह जाएं क्योंकि यहाँ पे नज़दीक नज़दीक कोई ऐसे एरिया नहीं है जहाँ पे आपको लोकेशन मिले, आगे जाने के लिए कोई सवारी वगैरह मिले, तो आप यहीं रह लें, सुबह आपको हम गाड़ी पे सिटी में छोड़ कर आएंगे। तो आप काफ़ी वीरान एरिया में आ चुके हैं, तो आज रात का स्टे हमारा यहीं है, तो अभी करते हैं हम अफ्तारी।
लेके करेंगे हम रोजा अफ्तार यहाँ से। वाओ, तो गाइज अभी उन्होंने कहा है कि आप बैक साइड पे जाके वीडियो बना सकते हैं क्योंकि आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने जहाँ उनकी रिहाइश है फौजी भाइयों की, उन्होंने कहा यहाँ पे आप वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो आप ना बनाए, आप बैक साइड पे चले जाएं। तो हम काफी ऊपर आ गए हैं, ये आप दिखाएं जरा इन्हें, जहाँ पे जो बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं वो बैठते हैं, बोलते हैं जब ये गंदम की फसल वगैरह नहीं होगी ना, जब सीजन खत्म हो जाएगा तब यहाँ पे प्रैक्टिस होती है जो फाइटर टैंक होते हैं। तो ये निशान वगैरह आप देख रहे हैं, ये सर वहाँ पे हेलीपैड है, वो सामने देख रहे हैं, वो हेलीपैड है वहाँ पे। तो यहाँ का व्यू बहुत ही कमाल है, फौजी भाई काफी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, कहते हैं आप वीडियो का एंड कर लो, वीडियो का एंड कर लो, लेकिन बैक साइड पे जाके ना, तो वहाँ पे जहाँ पे उनकी रिहायश है वहाँ पे नहीं बनाने दी, वो कहते हैं आज रात आप हमारे मेहमान तो बने। उन्होंने जो खाना बनाया हुआ ना वो कसम से अगर इजाजत दे देते तो कसम से मैं आपको दिखाता क्या उन्होंने कमाल। आपको पता है कि आर्मी का खाना कैसा होता है? तो हम अपना लेके आए, अपना लेके आए, लेकिन हम वीडियो में वही शो कराएंगे क्योंकि व्यूअर को बताना ना कि हम अफतारी कर रहे हैं, तो हम जो अपना लेके आए ना हमने अफतारी उसी के साथ करना, अफतारी उसी के साथ करनी है। बाकी आज हम फौजी भाइयों के मेहमान हैं तो उनके साथ वीडियो तो नहीं बना सकते क्योंकि उन्होंने हमें मना किया है कि अलाउ नहीं है, तो इसलिए वो भी इनकी मेहरबानी है कि हमें यहाँ पे अच्छा है, उन्होंने इस्तकबाल किया और कहा कि आप हमारे मेहमान बन के रहें और अपने वीडियो का एंड जाके बैक साइड पे कर लें जी। तो आज का सर्वाइवर मेरे ख्याल में यहीं रुकने वाला है, तो आज हम यहीं स्टे करने वाले हैं। वाह क्या नज़ारा है। अब तो अभी हम आर्मी के एरिया में बिल्कुल सेफ हैं, कोई हमें टेंशन नहीं है क्योंकि पाक आर्मी हमारे साथ है। पाक आर्मी जिंदाबाद। हाँ तो गाइज, तो रखा जो मेरे साथ है लड़का रखा, वो नीचे खाना खा रहा है फौजी भाइयों के साथ, तो मैं ऊपर आ गया हूँ वीडियो का एंड करने क्योंकि नीचे अलाउ नहीं है, वो कहते हैं हमारे साथ आप वीडियो नहीं बना सकते। बाकी वो लोग अच्छा कोऑपरेट का हमारे साथ कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे पाक फौज है, पाक फौज जिंदाबाद, और उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि आज रात आप हमारे साथ रहें, तो हम उनके साथ रहने वाले हैं। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि हम हैं टू व्लॉगर।